व्हाट्सअप गाइज, अगर आप टिकटॉक यूज करते हैं या फिर टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं तो मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में एक वीडियो एडिटिंग, जिसको आप सीख के दोस्तों आप टिकटॉक में बहुत ही गजब का एडिटिंग डाल सकते हैं। मतलब कि दोस्तों वीडियो अपलोड कर सकते हैं टिकटॉक में और बहुत सारे लाइक आएंगे। जैसे कि आपने वीडियो शुरू होने से पहले देखा दोस्तों, उसी तरह दोस्तों आप भी वीडियो बना सकते हैं। जो बैकग्राउंड है दोस्तों वो मेरे पास नहीं था, सिर्फ दोस्तों मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया है और विदाउट ग्रीन स्क्रीन दोस्तों ये सब हो गए। बिना ग्रीन स्क्रीन के आप ये सब वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका बताने चल रहा दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को आप मोबाइल से एडिट कर सकते हैं। जो मैंने वीडियो एडिट किया है वो मैंने अपने मोबाइल से किया, अपने स्मार्टफोन से जो हमारे पास है उसी से किया दोस्तों, और मैंने उसी से वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर जाके मैंने अपने मोबाइल से ही एडिट किया दोस्तों। ये आपको लग ही रहा होगा बहुत ही एडवांस लेवल का एडिटिंग है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, सभी कर सकते हैं। जो बेसिक सीख रहे हैं अभी एडिटिंग वो भी सीख सकते हैं और कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको इस स्टेप को ध्यान से देखना होगा। वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाया था, इसलिए दिखाया था कि ताकि दोस्तों आप भी उसी तरह वीडियो बना लें। मतलब कि दोस्तों आप सेम टू सेम इसी तरह वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। तो वीडियो को सबसे पहले आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर। ऐसे टिकटॉक के वीडियो एडिटिंग मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस चैनल में, ताकि दोस्तों आप भी ग्रो कर सकें, आप भी सीख सकें। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप जो स्काई देख सकते हैं, जो वाइट स्काई है तो वहाँ पर रहना चाहिए। मतलब कि दोस्तों वाइट स्काई रहना चाहिए, वहाँ पर क्लाउड नहीं रहना चाहिए, ब्लैक क्लाउड ऐसा नहीं रहना चाहिए, पूरा वाइट रहना चाहिए। ओके दोस्तों, जब आपका एक वीडियो बन जाए तो चलिए दोस्तों मोबाइल में चलते हैं, किस तरह एडिटिंग करते हैं हम आपको सिखा देते हैं। तो हम अपने मोबाइल पे आ गए हैं, सबसे पहले यहाँ पर कैनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। उससे पहले दोस्तों आपको एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेना होगा, हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया, हम आपको दिखा देते हैं किस तरह आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सीनरी वाला फ़ोटो आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके दोस्तों, अब चलिए कैनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से सारे एडिटिंग होती है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ओके, इस तरह आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ मीडिया पर जाते हैं और एक वीडियो जो हमने बनाया था उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम ये वाला और ये जो हमने बनाया था यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो आ गया है। अब आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एडजस्टमेंट में है। ओके, यहाँ पर आपको बैक जाना है, ये वाला ऑप्शन नहीं क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कलर फिल्टर ये वाला करना है। ओके, यहाँ पर बेसिक पे जाना है। यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हैं ग्रीन वाला इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला क्लिक कर लेना है। ओके, अब जाके आपको एडजस्टमेंट में जाना है, एडजस्ट में। ओके, यहाँ पर जाना है और इसको आपको कर लेना है ये और ये, और इसको यहाँ पर ग्रीन कर लेना है। पीछे वाला जो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड, वो ग्रीन हो चुका है। इस तरह दोस्तों आपको ग्रीन कर लेना है पीछे वाला। ओके, ग्रीन हो गया है। वीडियो को सेव कर लेना है गैलरी में, तो यहाँ पर शेयर पे क्लिक करते हैं। फिर से आपको कैनवास्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, जो हमने सेव किया था वो वाला वीडियो आपको यहाँ पर नहीं लाना है। सबसे पहले आपको फ़ोटो लाना है। यहाँ पर जाएंगे, जो डाउनलोड किया था फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं सीनरी वाला, तो यहाँ पर ये ओके ये है। ओके, ये मिल गया दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं पहले तो आप ये सीनरी वाला फ़ोटो लाना है। ओके, यहाँ पर पहले तो जो क्रॉपिंग वाला जूमिंग है इसे हम इक्वल कर देते हैं। ओके, इक्वल हो गया है। अब यहाँ पर सेकंड वीडियो लाना है, लेयर पे जाना है, लेयर में मीडिया पे जाएंगे, मीडिया पे अब जो हमने किया था ये वाला, ओके ये आ गया है वीडियो, इसे हम फुल साइज कर लेते हैं। ओके ओके, वीडियो को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ कर देते हैं, वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर देना है और इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, और बहुत ही परफेक्ट एडजस्ट हुआ है, इसे हम टिक कर लेते हैं। अब वीडियो बन गया, हम आपको वीडियो प्ले करके दिखा देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह आपको वीडियो नज़र आएगा। यहाँ पर हम आते हैं, पत्थर को उछालते हैं, यहाँ पर फेंक देते हैं, इस तरह आपको वीडियो नज़र आएगा। पीछे का जो बैकग्राउंड वो पूरा चेंज हो जाएगा। अब वीडियो को सेव करने के लिए शेयर पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, ये वीडियो हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।